हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग्स। तो गाइस, दो तीन दिन हो गया। तबीयत तो ठीक ही था, बस ऐसे ही मतलब टाइम नहीं होता था ब्लॉग्स बनाने में। तो गाइस, कल जो था मुझे, हाँ मैं बोली थी मेरा डबल मार्कर का रिपोर्ट आएगा, देन फिर मुझे स्टिचेस का सर्कल्स का डेट मिलेगा। तो वो कल मुझे मिला और डबल मार्कर का रिपोर्ट भी आया है। क्या है मैं आगे मैं बताऊंगी, वीडियो को एंड तक देखिए। वेज बताने में तो बोल रही हूँ सर्कल्स के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा मन में भी थोड़ा बहुत डर है। बस भगवान करे, हाँ मेरा सर्कल्स का डेट मिला है 14 जून वेनसडे, आई थिंक हाँ वेनसडे ही है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में डर है, बस आराम से इजीली सब कुछ हो जाए। उस दिन जो है सुबह जाना है, 9 बजे पहुंचना है, 10-11 बजे होगा, फिर उसी दिन डिस्चार्ज, एक ही दिन में डिस्चार्ज मिल जाता है। बाकी जो है उसे पहले वाला दिन रात 11 बजे से कुछ खाना नहीं है, पानी पीना नहीं है। अगर ज़्यादा ये लगे तो थोड़ा बहुत पानी पी सकते हो। और पूरा जाना है सब, और 2 दिन पहले लोनोकाट इंजेक्शन और इकोस्पिन मेडिसिन 12 तारीख से बंद रहेगा, 12, 12, 13 बंद रहेगा, 14 को होगा, फिर वो आगे बताएंगे कैसे क्या स्टार्ट करना है करके। तो गाइस, और एंटी स्कैन का, सॉरी डबल मार्कर का रिपोर्ट नॉर्मल है। एंटी स्कैन में जो डर था मुझे कि हो सकता है इसमें कुछ राउंड किया हुआ है, आगे कुछ प्रॉब्लम आए है, बट वो नॉर्मल है, कुछ नहीं है। बस भगवान मेरे पर कृपा किए हैं, सब कुछ मेरा नॉर्मल ही है। बस यही प्रे करूँगी भगवान से, 3 महीना जैसे तैसे मेरा कटा है और 6 महीना आगे मुझे निकाल दे। तो गाइस, ये जो है अगर किसी का सर्कुलेट हुआ है अभी लास्ट 2-3 महीने में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कैसा क्या होता है। मुझे तो डर लग रहा है, उसके बाद मतलब 2-3 दिन ठीक रहे, कोई पेन होता है क्या, या फिर कोई ब्लीडिंग स्पॉटिंग कुछ होता है क्या। तो कहीं ना कहीं मन में तो डर रहता ही है, बस भगवान करे सब आराम से हो जाए। तो उस दिन 8 बजे तो घर से निकलना होगा, 9 बजे वहाँ पर पहुँचना है, 8 बजे निकलना है। खाना पीना नहीं है, पता नहीं कैसे रहूँगी। फिर अगर 11-12 बजे तक हो जाता है, फिर 2-3 बजे तक डिस्चार्ज मिल जाएगा। बस वही आज हो गया 10th, 11th, 12th, 13th, 20 में 3 दिन, 14 को है। तो कहीं ना कहीं मन में थोड़ा डर है, घबराहट है कि सब कुछ इजीली हो जाए, आराम से हो जाए, क्योंकि जो होता है इतना कुछ ये नहीं है, सब कुछ नॉर्मल तो हो जाना चाहिए, बट मन में जो है डर रहता है, एनेस्थीसिया लगेगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। फिर मुझे ज़्यादातर दिक्कत ये होता है उस टाइम जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाते हैं, ऐसे तो मेरा नॉर्मली इतना वोमिटिंग फील होता है, मैं मेडिसिन ले नहीं पाती हूँ। आज सुबह मल्टीविटामिन मेडिसिन, तो इतना बड़ा टैबलेट है, उसको तोड़ के ली, फिर भी एक आधा तो अंदर गया, आधा बाहर आ गया, कुछ कर भी नहीं पाई। तो गाइस जो है और एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगने से मुझे पूरा इमीडिएटली जब अंदर जाता है इंजेक्शन, मेरा पूरा वॉमिटिंग हो जाता है, ये दिक्कत होता है। और मेरा चैनल करने के लिए वेन दिखता नहीं है, उसमें मुझे दिक्कत होता है, तो बहुत कुछ दिक्कत होता है मुझे। और फिर जब एनेस्थीसिया में होश आता है ना, उस टाइम भी थोड़ा बहुत मुझे ये लगता है वॉमिटिंग। नॉर्मली जब मैं पूरा फिट होती हूँ फिज़िकली, तब होता है, अभी तो ऐसे मेरा नौजिया का इशू है ही, पता नहीं कैसे क्या मैनेज करूँगी। बस भगवान से प्रे करती हूँ मेरा पूरा आराम से 14 जून निकल जाए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, मैं पूरा हेल्दी हो जाऊँ 15 को। पता नहीं 15 को कैसा क्या तबीयत रहेगा, क्योंकि उस दिन तो एनेस्थीसिया दिया होगा, मेडिसिन इंजेक्शन, उस दिन शायद पेन पता ना चले। नेक्स्ट डे देखते हैं कैसा क्या पेन फील होता है, क्या होता है, जो भी होगा आप लोग से शेयर तो ज़रूर करूँगी। अगर किसी का कुछ हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, तो मुझे क्या होता है आप लोग का कमेंट पढ़ने के बाद, कहीं ना कहीं मुझे हिम्मत मिल भी जाता है। और ऐसे तो मुझे सर बोल लेते हैं कि
सर्विस का लेंथ ठीक ठाक लग रहा है, चाहे तो आप ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बट मैं अपनी तरफ से कोई रिस्क लेना नहीं चाहिए, तो मुझे लगा नहीं करना चाहिए मुझे। तो फिर पिछला टाइम का जो ये था अभी तक मैं भूल नहीं पा रही हूँ, और इस बार कोई गलती नहीं करूँगी, तो इसलिए हम लोग को सही लगा कि हाँ स्टिचेस लगा देते हैं। तो वही आप लोग से रिक्वेस्ट है कि किसका कुछ हुआ है स्टिचेस, तो आप लोग का एक्सपीरियंस जो है शेयर कीजिए, क्या होता है उसके बाद, कैसा फील होता है, क्या फील होता है अंदर में, कुछ हुआ है करके। मुझे ये ज़्यादा थोड़ा परेशान करता है कि बाद में कहीं फील तो नहीं होगा अंदर में, कुछ हुआ है, कुछ दिक्कत ऐसा कुछ, ये सब के लिए हो रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, जैसे भी होगा वो अपडेट ज़रूर करूँगी। तो गाइस फिर मिलते हैं अनदर न्यू ब्लॉग्स में, थैंक यू सो मच।